हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? यार सॉरी, बहुत दिन के बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ इशू भी थी और थोड़ी कुछ और प्रॉब्लम थी, सॉरी, लेकिन अब रोज़ ही कंटिन्यू रहेगी। और आज भाई ले आया मैं किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। मैं आपको बता दूँ मोहित जी कि यहाँ हमारे पूरे लोकल एरिया में बियर बिल्कुल नहीं मिल रही है। मैं करीब 15 किलोमीटर दूर आज गया हुआ था, तो वहाँ से एक बॉटल लेके आया हूँ, वो भी मुझे किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर मिली है। आपने रिव्यू मांगा था किंगफिशर लाइट का, मगर सॉरी, बियर तो बियर है, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर मिली है, तो मैं स्ट्रॉन्ग बियर ले आया हूँ आपकी तरफ से। तो आज मोहित बम जी, तो आपकी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग बियर का रिव्यू देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं किंगफिशर की, और सबको धन्यवाद, सभी जुड़े रहिए, ही सब्सक्राइब करते रहें, नए हो जो, और बच्चों को ये वीडियो बिल्कुल ना भेजें। तो बियर बिल्कुल गर्म है, तो मैंने ग्लास और बर्फ़ मंगाई है, आइस क्यूब, उसके साथ पीनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल पेटी में से मिली है और कहीं मिल भी नहीं रही है। तो प्लीज़ अभी रुकिए, ज़रा मैं शुरू करता हूँ। हाँ भैया, आइस क्यूब आ गई है, मैंने डाल दिया जैसा आप देख रहे हो ग्लास में। अब मैं हल्के से ये बियर खोल ली, अब हल्के हल्के पोर करता हूँ। वैसे तो दोनों हाथ से पोर करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जाग बहुत बनेगी यार। रुको, स्टैंड पे लगा रही, फ़ोन रखता हूँ, रुको। अब ठीक है, अरे पोर कर ली इसके अंदर मैंने, अब डाल दी, मतलब अब ये थोड़ी सी हिलाऊंगा क्योंकि ठंडा हो जाए, जिससे कि पूरा गर्म एकदम। और ये बियर का टेस्ट अब बताता हूँ आपको, मज़ेदार। सदाबहार बियर है, सबको ही पता है, टेस्ट वही है हमेशा, चौक है पानी का जो आता ही है। स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, इसका सरूर स्ट्रॉन्ग ही रहता है। बाकी असली बियर वैसे लाइट बियर होती है, मैं जब हमेशा आपको कहता हूँ, लेदर बियर जो होती है वो हमेशा अच्छी बियर होती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग नहीं कुछ होता। वर्ल्ड में कहीं भी चले जाना, कहीं की भी बियर उठा के पी लेना, किसी भी ब्रांड की उठा के पी लेना, इंपोर्टेड बियर, वो हमेशा लेजर बियर ही होगी। कभी सुपर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इस टाइप की वर्ड्स के नहीं आती बियर्स, वो लेजर बियर ही आती है, क्योंकि वो लोग लेजर बियर ही पीते हैं। जो नॉर्मल बियर निकल के आती है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट, ये नहीं कि उसके अंदर और अल्कोहल वगैरह मिला दें या और कुछ ऐड कर दें जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। मज़ा तो पूरा दिलाती है भाई, कोई वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें, बियर बियर है। और आज मेरे को मिली बहुत दिनों बाद है पीने को भी, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी यार बियर मेरे इलाके में, मिल ही नहीं रही यार, पता नहीं क्या है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मालवीय नगर में रहता हूँ, साउथ दिल्ली में, और मेरे आसपास के ठेकों पर बियर ही नहीं है, बताओ। इतनी दूर जाके मैं CP से बियर लेकर आया हूँ, क्या बताऊँ तुम्हें। और थोड़ी सी बर्फ़ डाल देता हूँ। और सुनाओ, कैसे हो सब लोग? अटल बिहारी को मार दिया यार तुमने, हैं अटल बिहारी वाजपेयी को मारवा दिया यार 15 अगस्त के बाद। मुझे तो ऐसा लग रहा है 15 अगस्त को मर गया होगा बेचारा, जानबूझ के डिक्लेयर नहीं करा इन्होंने, 16 अगस्त को करा, कहे भैया 15 अगस्त को कर देंगे, तो हर साल 15 अगस्त बेचारा मना नहीं पाएंगे, उसकी यादगिरी मनानी पड़ेगी 2 अक्टूबर की तरह। तो शायद इस वजह से हो भी सकता है, ये मेरी सोच है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैंने जो भी मन में सोचूं मैं सोच सकता हूं। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे बता दो ज़रा कमेंट करके नीचे, आपको क्या लगा। वैसे तो बंदा बहुत अच्छा था यार, बहुत बढ़िया आदमी था, मैंने बचपन में, मतलब बचपन और जवानी शुरू में जब उसी को प्राइम मिनिस्टर देखा था, और इतने अच्छे अच्छे डिसीजन कारगिल वॉर के टाइम पे, इतने अच्छा डिसीजन पोखरान वाला, इतना अच्छा डिसीजन, ये सारे डिसीजन लेते हुए मैंने अपने सामने उनको देखा, मतलब सामने इन द सेंस कि जब वो थे प्रधानमंत्री, और कारगिल वॉर जब हुई है तब भी देखा, जब नवाज शरीफ के साथ वो मिले थे, हाथ मिलाया था, वो सीन भी मैं कभी नहीं भूलता। तो बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी कविताएँ तो खैर हैं ही, और उनकी उनके ऊपर कॉमेडी जो हुई वो भी, मैं कई लोग उनके वजह से अमीर बने हैं, करोड़पति बने हैं, मैं बताऊँ कॉमेडी कर करके, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के ऊपर उनकी कॉमेडी जो करते थे, यानी उनकी मिमिक्री उतार उतार के। इस बात में तो आज भी सहमत हो गए। और मोहित जी फिर से शुक्रिया यार आपका, इस बार जो आपने जो उस दिन बियर के लिए स्पॉन्सर करा था, तो आज आपके लिए बियर भी आई है, बर्फ़ भी आई है, आज कुछ खाऊँगा भी, थैंक यू, उसी पैसों से, आपके जो आपके स्पॉन्सर करे हुए जो पैसे हैं। तो मैं ये भी बताना चाहता था, कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है किसी भी तरह की दारू, किसी भी तरह की वाइन, किसी भी तरह की विस्की, अगर आप स्पॉन्सर करना चाहें तो पेटीएम नंबर मेरा नीचे लिंक में होता है, उस पर आप पेटीएम कर सकते हैं अमाउंट को। मैं अगली बार जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर और उसी प्रोडक्ट को ला के बनाऊंगा, जितने की भी कॉस्ट आती है उसकी, उस कॉस्ट को आप भेज सकते हैं।
गर्मी में ठंडी बियर पीने का मजा ही कुछ हो रहा है यार। नीचे उतर रही है ना तृप्तपुरम, तृप्त जिसे कहते हैं तृप्त, थोड़ी नमकीन खा लो, रुको। अरे यार नमकीन का पैकेट सिला हुआ है, दूसरी लानी पड़ेगी, करारा पन नहीं है। बियर ही पी लो, बियर अच्छी करारी लग रही है, क्योंकि बियर फिर गर्म और हो जाएगी, बर्फ़ फिर पिघल जाएगी। अभी लेके आता हूँ फिर मैं इस ये वाला पैक ये ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं वेट करा के फिर लेके आता हूँ नमकीन। थोड़ा सिगरेट का गैप लेके भाई फिर से आ गया है तुम्हारा, और एकदम से जल्दी जल्दी पीनी भी नहीं चाहिए पूरी बियर यार, इन्जॉय कर रहे हैं बियर को तो धीरे धीरे करो। ये थोड़ी के अगर मेरे को वीडियो बनानी है तो मैं खींच जाऊँ इसको एक ही बार में और आपको बताऊँ फिर कैसे थोड़ी होता है, मज़ा तो तभी आएगा ना जब धीरे धीरे पियेंगे आराम आराम से पियेंगे। एकदम से खींचा तो ना विस्की का मारना चाहिए ना बियर का, इसलिए मैं हमेशा गैप ले लेता हूँ। आप लोगों को बुरा कई बार लगता होगा कि बीच में रुक कहाँ जाती है वीडियो, तो फिर से स्टार्ट करता है बंदा, तो इसलिए मैं गैप लेके करता हूँ। मैं 5-10 मिनट का गैप लेता हूँ भैया आराम से, आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, नहीं वैसे होनी नहीं चाहिए यार। बॉटल तो वैसी की वैसी है, 55 से देख रहा हूँ, ऐसी वैसी ही बॉटल है, कुछ नहीं हो चेंज हुआ, स्टिकर चेंज होते रहते हैं इसके बस। इसका ना मालिक भाग गया साला, इतने पैसे लेके हमारे हिंदुस्तान के, फिर भी हमें पीनी पड़ रही है यही, सबसे सस्ती यही है, इससे महंगी है सारी की सारी। वरना मैंने एक बार बीरा ट्राई करी थी, बीरा बियर के बारे में आपका क्या ख्याल है बताना मुझे, उसका रिव्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि बीरा का जो टेस्ट है ना इससे बहुत अलग है, उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा है, मैं बताऊँ इससे। और मैं कहीं गया हुआ था, मैंने वहाँ पी थी आउट ऑफ दिल्ली, मैं वहाँ पे पी गया था 4 बोतल एक साथ रात को, 4 बोतल बियर एक के बाद एक, इतनी फ्लेवर अच्छी लगी थी उसके मेरे को, और वो कुछ भी नहीं हुआ सुबह, ना हैंगओवर ना कुछ 4 बियर पीने के बाद भी, क्योंकि बियर तो वैसे ही नहीं चढ़ती इतनी, बियर तो ठीक है, बियर कोई दिक्कत नहीं है बियर में तो, इसलिए जो शुरुआत में लोग बच्चे भी बियर ही पीते हैं, हमने भी बियर ही शुरू करी थी यार, बियर के बाद आ गए थे रम पे, रम के बाद पौए पे, फिर दारू ही है बस, अब बियर तो कभी कभार तुम जैसे भाइयों के लिए मार लेते हैं। लेकिन भाई साहब बहुत सारी चीज़ें करता हूँ अपने आप को बचा के रखने के लिए, शायद तुम नहीं कर पाओगे, आपको बताता रहता हूँ वैसे हर कभी कभी वीडियो में बीच बीच में, वो ये है कि मैं गौमूत्र का अर्क आता है पतंजलि स्टोर से, मिल जाएगा आपको गौमूत्र का अर्क, सच में अगर वो आप जीना चाहते हो लंबा और अपने लीवर को डैमेज नहीं होना चाहते तो उसको आप ज़रूर पिए सुबह, 50 ml दारू समझ के पी जा रहा चुपचाप नाक बंद करके, उसका मुंह पे टेस्ट नहीं होता, नाक में होता है सिर्फ, नाक बंद करके पी जा रहा, आपको टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी, और एकदम से पीते ही काला नमक अपने हाथ में चुटकी भर रखना, उसे चाट लेना, स्मेल भी नहीं आएगी ना पता चलेगा आपने पिया है, सोचना भी मत कि मैंने वो करा है गौमूत्र पिया, आप सोचना मैंने दवाई पी है, दवाई के हिसाब से चल रही है ना आप, आपको मैं अगर झूठ बोल के किसी और शीशी में कोई डॉक्टर डाल के दे दे तो आपको लगेगा दवाई है, तो वो आप पी जाओगे ना बस, स्मेल उसका अगर हटा दे उसमें से, तो इसलिए वो चीज़ को आप वो समझ के पिए, लहसुन रोज़ खाएँ, कपालभाति रोज़ करें, 3 चीज़ें जरूर करें, ऑटोमेटिकली आपका सारा सिस्टम अंदर सही से क्लियर हो जाया करेगा, जितना गंद पियोगे जितना गंद खाओगे सब क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, कोई आपको डॉक्टर पैसों से भी नहीं देगा ये एडवाइस, क्योंकि डॉक्टर तो मना कर देगा, क्योंकि डॉक्टर के पास ये इलाज इसका इलाज है ही नहीं कि भाई लीवर डैमेज जो हो रहा है उसका उसको संभाल के कैसे रखें, वो तो कहेंगे दारू छोड़ो, पहले तो दारू छोड़ो, और अगर तो अपने पीती पीनी भी है, पार्टी में भी पीते हैं कभी कभार पीते हैं, और अपने आपको लीवर को आपको मेंटेन रखना है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, तो आप प्लीज़ वो करो, योगा करो सुबह, कपालभाति 15 मिनट, गौमूत्र का अर्क पिए गर्म गर्म पानी में, गर्म मतलब पूरे चाय गर्म वाला पानी नहीं, गुनगुना पानी उसमें पिए, गौमूत्र का अर्क डाल के मतलब आधा ग्लास पानी उसमें 50 ml डालें उसको गौमूत्र के अर्क को, 40 रुपये की बॉटल आती है एक बॉटल, चाहो तो मैं अगली वीडियो में आपको वो गौमूत्र का अर्क दिखा भी दूंगा, पड़ा होता है वैसे मेरे पास हर वक्त, मेरी स्कूटी में रखता हूं मैं बॉटल को, क्योंकि मैं बाहर ही नाश्ता करता हूं ऑलमोस्ट या कभी कहीं भी करता हूं, तो मेरी एक बॉटल स्कूटी में एक बॉटल घर पर रहती है, एक जब भी अगर वही बाहर जरूरत पड़ जाए पीने की तो मैं बाहर ही पी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा पानी गुनगुना कहीं से भी करवा लेता हूँ चाय वाले से या किसी से, उसमें गौमूत्र का अर्क डाला 50 ml डाला और पी गए, 40 रुपये की शीशी आती है 450 ml की, क्या है क्या बुरा है, आधा लीटर लगभग, लहसुन की फाड़ी आप कहीं से भी लेके खा सकते हैं, चबा के खानी हो चबा के खा जाओ, निकलनी है तो निकल जाओ, वैसे चबा के खाओगे तो ज़्यादा जल्दी असर करेगी, निकल के खाओगे तो कई बार ऐसा होता है लैटरिन में सीधी भी निकल आती है, जिनकी पाचन तंत्र कमज़ोर होते हैं ना उनकी लैटरिन में सीधा निकल आएगी, आपको दिखेगी कि ये बहन जो ये वाइट वाइट क्या है नीचे टट्टी में,
अगर आप इंडियन बॉर्ड में लेटरिंग करते हो तो इंग्लिश बॉर्ड में तो आपको पता नहीं चलेगी, इंडियन बॉर्ड में आपको दिख जाएगी। नीचे कहोगे ये लेटरिंग में जो सफ़ेद सफ़ेद क्या आ रहा बीच में, डर जाओगे पहले तो, लेकिन वो होता वही है, लहसुन वापस आ जाता बाहर निकल के सीधी सीधी फाड़ी। तो चबा के खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, या उसे कूट लो अच्छे से और उसको कूट के ना अच्छे से जैसे उसका वो मैश बन जाए, मसाला मैश हो जाए, तो वो सीधा खींचो और गले में सटक जाओ और पानी पी जाओ ऊपर से, वो कर लो, इतना कर सकते हो। तो चलो ये भी गिलास ख़त्म हो गया, एक मिनट बाद मतलब 5 मिनट बाद ज़रा फिर से वीडियो बनाते हैं, आगे बताते हैं आपको। और भैया आ गया हूँ फिर से गैप करके, इसमें फिर बर्फ़ डाल ली है मैंने, अब डालते हैं इसको बियर को। तो जो मैंने बात की ना अभी थोड़ी देर पहले आपको, इससे पहले जो बात बताई है भैया, वो कर लेना अगर आप बचना चाहते हो, संभलना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो, वरना तो आप जो मर्ज़ी करो वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत अच्छी चीज़ बताई है मैंने, गलत अगर बताई हो तो नेट पर सर्च कर लेना, एक ही जगह सर्च कर लेना, मैं खुद करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ खुद करता हूँ मैं। उसी के साथ साथ मैंने अपना वज़न भी वेट भी कम कराया है पिछले 1.5 साल के अंदर। मैं 118 किलो का था 1.5 साल पहले, और आज आप सुनोगे तो हिल जाओगे, मैं 82 kgs का हूँ, मात्र 82 kgs का, और अभी लगा हुआ हूँ उसी चीज़ को करने में। मैं 75 पे आना चाहता हूँ, 75 kgs इज़ द बेस्ट वज़न 5'7" वाले बंदे के लिए, सीधी बात है आपको भी पता है, 5'7" के बंदे के लिए इतना वज़न काफ़ी होता है सर, 75 किलो, तो वो भी हो जाएगा, जब इतना हो गया तो वो भी हो जाएगा सर। जो मैं सोचता भी नहीं करता, 40-42 की कमर की पैंट आती थी, आज मुझे 34 आती है, 34 आप लोगों को भी, 90% लोगों को, आप लोगों को 34 आती होगी जो वीडियो देख रहे हो, और 32 अगर आ जाएगी तो वो बेस्ट है, 100% बेस्ट है, उससे नीचे जाओगे तो फिर वो कमज़ोर है, सीधी बात मैं बोलूँगा। 32 से नीचे अगर कोई जाता है पैंट होती है तो भैया वो कमज़ोर आदमी गिना जाएगा मेरी नज़र में, तो 32 इज़ द बेस्ट वेस्ट फॉर द मैन। क्यों जी, गलत है तो बताओ, बता दिया करो ना, मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि नीचे कभी आंसर ही दे दिया करो। बाकी बियर के बारे में थोड़ी बातें करता रहूँगा, दूसरी बातें करूँगा ना आप लोगों के साथ यार, बियर के बारे में बता रहा हूँ, बियर अच्छी है, अब नशा चढ़ने लग गया है, मज़ा आने लग गया है, अब तो गाना भी याद आ रहा है। ना मेरी कोई मंजिल ना मेरा है ठिकाना, कौन सा गाना था वो, यही तो है, ना मेरी कोई मंजिल ना मेरा है ठिकाना, मैंने तो यारों सीखा कांटों से दिल लगाना, उल्फत का हूँ मैं आशिक दुनिया से हूँ बेगाना। तीनों एक मिनट हो जाओ, उल्फत का मैं हूँ आशिक दुनिया से मैं बेगाना, बाहों में आसमां है कदमों में है जमाना, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, प्यार करने वाला हम पे मरने वाला। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरी बीवी है भाई, सबसे बेस्ट है मेरे लिए, उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, डरता नहीं हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, सच में बेस्ट है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं कर सकती वो जितना मेरे लिए वो करती है, कोई नहीं कर सकता। ये हमारा भ्रम होता है कि कोई गर्लफ्रेंड हमारे लिए ये कर देगी वो कर देगी, लेकिन सच में जब कोई अपनी वाइफ बन जाती है ना, एक्चुअली मेरी लव कम अरेंज मैरिज ही है, अरेंज मैरिज थी और लव मैरिज पे तब्दील हो गई होने होते होते तक, जिसको भी 11 साल हो चुके हैं। भैया सॉरी यार, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, वहाँ पे पुलिस वाले आ गए हैं तो मेरे को हटना पड़ा, इसलिए चुपचाप वहाँ से भागना पड़ा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद, अगली वीडियो में जुड़िएगा।